हेलो गाइस, तो आज हम सैट टू का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हमने मंडे को कंडक्ट कराया था हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो जिन्होंने वो टेस्ट नहीं दिया है उसकी लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं भी देना है तो आप इसे एक क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ की तरह देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखें क्योंकि इससे आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन और उन्हें सॉल्व करने की अप्रोच मिल सकती है। इस वीडियो में हम फिजिक्स वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फिस। द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज बींग पुल्ड टुवर्ड्स राइट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 0, द स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज अनस्ट्रेस्ड एंड द ब्लॉक हैज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये एम मास का एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, इसका के का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, जो फ्री वाला स्प्रिंग का सॉरी जो फ्री वाला पार्ट है, उसे 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है। ये हमारा वी नॉट दिया हुआ है और इनिशियली ये जो मास एम था वो टुवार्ड्स लेफ्ट 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस ये जो भी ये आउटर मोस्ट पॉइंट है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम रोक देंगे, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, मतलब हमें इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना होगा। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम यही करते हैं कि इसको रोक देते हैं, तो इस पर वी नॉट पीछे लगेगा, तो सिमिलरली इस पर भी वी नॉट जो है वो पीछे की तरफ लग जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक नया डायग्राम बना लेते हैं। तो ये फाइनली क्या हुआ, ये मास एम है हमारा, यहाँ से ये कनेक्टेड है। अब ये वाला पॉइंट जो है वो रेस्ट पे आ चुका है और ये जो है हमारा नेट 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब हमें बताना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो अब ये क्या हो गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया जिसमें ये वाला पॉइंट जो है वो फिक्स, आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए इसको वॉल से फिक्स कर दिया गया है। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो टोटल ये जब मैक्सिमम स्पीड पे जो मैक्सिमम जब इसमें एक्सटेंशन आएगा तो ये इसका जो नेट वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो उसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्स जो है वो आ जाएगा, ये चला जाएगा, तो आ जाएगा रूट अंडर एम बाई के टू वी, ये बता देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और है जो कि यहाँ पे बहुत लोग माइनर मिस्टेक कर सकते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे के का वैल्यू जो है वो दिया हुआ था 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब चूंकि हम सब कुछ ऐसा यूनिट्स में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर होना चाहिए था। तो न्यूटन पर मीटर के लिए हमें इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे सिंपली हम 10^-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 10,000 न्यूटन पर मीटर। ये जो है हमारा फाइनल के है, आई मीन एसआई यूनिट्स में। अब इस के को यहाँ लाके पुट कर देना है, एम का वैल्यू पुट कर देना है, वी जो है वो 3 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3, यहाँ पे 3 था तो 3 जो है वो रूट के अंदर जाके 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो एक बार हम इसे समराइज़ कर लेते हैं। इनिशियली एक ब्लॉक एम है वो रखा हुआ था फ्लोर पे, फ्रिक्शनलेस फ्लोर था, और वो एक स्प्रिंग से अटैच था जिसका फ्री एंड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से टुवार्ड्स राइट मूव कर रहा था, और वो जो ब्लॉक है मास एम वाला वो टुवार्ड्स लेफ्ट 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था इनिशियली, आई मीन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। हमें बताना था कि इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। तो हमने क्या किया है, ये जो आउटर मोस्ट आई मीन जो फ्री एंड स्प्रिंग का उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने सॉल्व किया है, तो उसको हमने रोक दिया है।
तो इसका नेट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये अभी सिमिलर एक ऐसा केस हो गया जिसमें एक ब्लॉक है जो इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड से टुवार्ड्स लेफ्ट जा रहा है और वो एक वाल से अटैच्ड है थ्रू अ स्प्रिंग। अब इसमें आपको मैं पता ही होगा कैसे मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालते हैं, बस उसी का हमने यूज़ किया सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन और हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बीड ऑफ मास इज लोकेटेड ऑन ए पैराबोलिक वायर विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर एंड हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। द वायर फ्रेम इज फिक्स्ड एंड द बीड कैन स्लाइड ऑन इट विदाउट फ्रिक्शन। द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट वाई इज इक्वल टू 4a ऑन द वायर फ्रेम फ्रॉम रेस्ट। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बीड व्हेन इट रीचेज द पॉइंट गिवन बाय वाई इज इक्वल टू ए। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये हमारा एक ये एक्सिस हो गया और एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हमारा पैराबोला दिया हुआ है और इस पे वाई इज इक्वल टू 4a मान लेते हैं। यहाँ पर एक ए पॉइंट इसको ज़ूम कर लेते हैं और ये बी पॉइंट है जो वाई इज इक्वल टू हमारा ए के इक्वल है। तो हमें बताना है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, आई मीन जो देखिए ये जो बीड है जो भी जिस ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप किया जा रहा है वो सिर्फ अलॉन्ग द ये वायर जो है वो पैराबोलिक वायर इसके अलॉन्ग ही स्लाइड कर सकते हैं और ये फ्रिक्शन लेस है। तो यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है तो इस पॉइंट पर आके इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो जो जो भी डाटा दिया हुआ था वो सब आपको सिर्फ थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी नहीं है, अब क्या करना है सिर्फ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो ये जो है आप इतना दूर जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन ले सकते हैं। इसको आप इसके पैरेलल इस पॉइंट के पैरेलल एक इंक्लाइंड प्लेन बना सकते हैं। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन होगा इसका हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है, इसको डिनोट कर देते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है। तो इसके अलोंग तो अगर हम इस पॉइंट पर एक इंक्लाइंड प्लेन अज्यूम कर लेते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इंक्लाइंड प्लेन अप्लाई कर रहा है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला लाइन वो इस पैराबोला पे टेंजेंट है इस पॉइंट पे। तो ये इस पॉइंट वाला तो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन एक ऐसे जी हो जाएगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा और उसका दो कंपोनेंट होगा। तो ये जो इसका जो ये वाला जैसे इसको हम अलग एक डायग्राम बना लेते हैं जैसे आपको एक और क्लियर दिखे। तो ये वाला हो गया हमारा पॉइंट, इसको हम जूम करके बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराबोला, ये हमारा पॉइंट था और ये हमने इसी के मतलब ये जो डायग्राम है आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ इस पॉइंट पर टेंजेंट है पैराबोला के एक लाइन, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल थीटा है। तो इस पर एक इसी का लोग हम जी लगा देते हैं, तो एक ऐसे जी लग रहा है नीचे। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर जी कॉस थीटा और एक होगा इधर जी साइन थीटा। तो जी कॉस थीटा जो है तो ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ एक्स जो ग्रेविटी जो इसका वेट है वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, तो हमें सिर्फ इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा जी साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा क्या है बेसिकली ये एंगल है जो कि ये वाला इंक्लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो इस निकालने के लिए हम सिंपली इस ये जो लाइन था इसका स्लोप निकाल देंगे क्योंकि यही हमारा टैन थीटा हो जाएगा। वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एंगल कितना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हमारा इक्वेशन था, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम तो हमारा आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2a। अब ये जो पॉइंट था वो y इज इक्वल टू ए था, तो y इज इक्वल टू ए अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा x जो है वो आ जाता है 2a। अब उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा स्लोप जो कि dy बाई डी एक्स था m वो आ जाएगा 1, मतलब कि tan थीटा 1 है, मतलब थीटा जो है वो 45 डिग्री है। अब इसको हमें सिर्फ इस थीटा को यहाँ पुट कर देना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2। तो हमारा g/√2 जो है वो फाइनल आंसर है।
तो एक बार इसको भी हम समराइज कर लेते हैं। इसमें क्या बोला था कि ये एक पैराबोलिक शेप का वायर था, इस पे एक बीड था जो कि ए पॉइंट से ड्रॉप किया जा रहा था और वो बी पॉइंट पे आ जा रहा था, और हमें बताना था कि बी पॉइंट पे जब वो पहुंचते हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए इतना डाटा दिया हुआ था, हमें बेसिकली सिर्फ बी पॉइंट के एक्सेलरेशन पूछ रहा था और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे। तो इसका जो वाई कंपोनेंट था वो ए था, तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा एक्स जो है वो 2 आ जाएगा। मतलब कि ये जो बी वाला पॉइंट था वो था हमारा 2a, a। अब इस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या किया हमने कि हमने इस पॉइंट पर एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया। अगर ये इसे हम एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह अज्यूम करते हैं, हमने इस पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाया है और उस टैंजेंट को हम एक इंक्लाइंड प्लेन समझ सकते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन समझ सकते हैं, तो उस पर एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, इधर की तरफ जी साइन थीटा हो जाएगा और परपेंडिकुलर जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद से बेसिकली ये सिंपल इसका हमने टैन थीटा है स्लोप निकाला है हमने बस, और जो थीटा है उसे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो ये जो है हमारा g/√2 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिगर शोज अ चार्ज क्यू प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी इन एन अनचार्ज्ड कंडक्टर। नाउ इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन देन, और बाकी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह भी इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा कंडक्टर हो गया और ये कुछ इसके अंदर का कैविटी हो गया। यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमारा चार्ज क्यू है। तो हमें बताना है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा होगा। तो ये चार्ज अगर प्लस क्यू है जैसे, तो हमें पता है कि इंटरनली कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, मतलब कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। तो ये जो भी चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस मटेरियल में नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पे एक माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। अब माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा तो इसको काउंटर करने के लिए जो बाहर है, क्योंकि हमें पता है कि इस ये जो भी मटेरियल है उस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है अभी इनिशियली, और इसके कारण एक चार्ज माइनस क्यू इसके अंदर वाले सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, तो इसके बाहर वाले सरफेस पे उतना ही प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, तभी इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब हम देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कोई भी जगह पर रखा हुआ होगा और वहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। तो ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अंदर वही कंडीशन सेम, बाहर के चार्जेस जो है वो अंदर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते हैं, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कोई इफेक्ट शो नहीं करती है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ जो बाहर जो प्लस क्यू वाला चार्ज था वही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाए और अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो ये कह रहा है ओनली इंड्यूस चार्जेस ऑन आउटर सर्फेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ब्लैक बॉक्स ऑफ अनोन एलिमेंट्स एल सी एंड आर, एल हमारा इंडक्टेंस हो गया, सी कैपेसिटर और आर रेजिस्टेंस, तो एंड ए सी वोल्टेज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज अप्लाइड एंड करेंट इन द सर्किट वॉज फाउंड टू बी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई फोर, देन अननोन एलिमेंट्स मे बी। तो ये क्या कह रहा है, हम इसका फिर से डायग्राम ही बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सर्किट, ये हमारा ए सी सर्किट है, तो इससे ये एक बॉक्स हो गया हमारा जेड, ये कनेक्टेड है। तो क्या कह रहा है इसमें, ई सबसे पहले हम दोनों एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। तो हमारा इसमें ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमारा आई जो है वो दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई फोर है, ये पाई बाई फोर है। तो हमें बताना है कि ये जो भी जेड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं।
ये इसको देखने का एकदम बेसिक और एकदम इजी तरीका है इस क्वेश्चन को, कि हमें पता होना चाहिए ग्राफ्स के बारे में। जो भी हम ग्राफ बनाते थे बिटवीन आई एंड ई, तो इसमें क्या करते थे, हम चेक करते थे कि आई जो है वो आई मीन जो करेंट है सर्किट में वो ईएमएफ से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर करंट जो है वो ईएमएफ से लीड कर रहा है, तो अगर वो पाई बाई टू से लीड कर रहा है तो वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, और अगर वो पाई बाई टू से लैग कर रहा है मतलब वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्योरली इंडक्टिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि तब करंट जो है वो लैग करता पाई बाई टू से, यहाँ नहीं हो रहा है वो। सिमिलरली ये प्योरली कैपेसिटिव भी नहीं हो सकता है, तब करंट जो है वो लीड करता पाई बाई टू से जो ई एम एफ से, तो यहाँ भी वो नहीं है, पाई बाई फोर से लीड कर रहा है। तो ये क्या क्या हो सकता है, तो इसमें ये हो सकता है या तो ये कैपेसिटिव सर्किट हो प्लस रेजिस्टिव सर्किट हो और एक्सी का वैल्यू जो है वो आर की इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे ये पाई बाई फोर से लीड कर जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें तीनों कंपोनेंट्स हो तो हमें पता है कि जो भी इंडक्टिव आई मीन इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो नेट रिजल्टेंट जो है वो नेट जो भी करंट होगा वो लीड करेगा हमारा ओरिजिनल ईएमएफ से, इसलिए वहाँ भी ये पॉसिबल है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट आई इज इक्वल टू 2A फ्लोस थ्रू दी रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 10 ओम विथ व्हाट कांस्टेंट स्पीड वी मस्ट द पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस मे रिमेन अनचेंज। तो जैसा कि बाकी क्वेश्चन में क्या था, हमने इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब क्या दिया हुआ, ये जो है हमारा एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक है, इसका सीधा मतलब ये है कि हीट जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, ये जो भी पिस्टन है ये जो भी कंटेनर में, तो इसमें से कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, जो भी हीट जनरेट हो रहा है वो इसी में रह जा रहा है, तो हीट लॉस तो हो नहीं रहा है। और ये ऊपर V से जा रहा था, R का वैल्यू दिया हुआ था हमें, और सिमिलरली करंट जो I जो फ्लो हो रहा है उसका भी वैल्यू दिया हुआ है हमें, और हमें बताना है ये कितनी स्पीड से ये पिस्टन ऊपर जा रहा होगा कि इसमें जो टेम्परेचर है गैस का वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेते हैं। तो क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इसमें हमें हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है गैस का, तो गैस का टेम्परेचर का कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कि डेल्टा यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी हीट जनरेट हो रहा है इस रेजिस्टेंस में से ये जो करंट फ्लो कर रहा होगा तो कुछ हीट जनरेट हो रहा होगा, वो जो भी हीट जनरेट हो रहा है वो इस पिस्टन को मूव करने में खर्च हो जा रहा है, मतलब इसका वर्क में कंज्यूम हो जा रहा है। तो सिंपल उसी का ही क्वेश्चन लिखना है। तो हीट इसके कारण जो पावर आएगा उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, मतलब हीट जनरेटेड मतलब कि बेसिकली ये जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वही पावर ये कंज्यूम कर रहा है। तो हीट जनरेटेड क्या होगा इसमें, आई स्क्वायर आर जो है इसमें का वो हो जाएगा एम जी इंटू आई मीन पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पावर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और वो जो विच इज इक्वल टू वी। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। आई का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, आर का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एम का वैल्यू जो है वो 1 दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और वी निकालना है हमें। तो वी का वैल्यू जो है वो सिंपली 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक ये चैम्बर है, ये आप क्या गैस क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर कहिए आप, तो इसमें एक पिस्टन कनेक्टेड है और ये जो पूरा सेटअप है वो एडियाबेटिक है, मतलब कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, सराउंडिंग में हीट नहीं जा रहा है, जो भी है वो इस कंटेनर में ले जा रहा है। तो क्या हो रहा होगा, ये करंट इसमें से पास कर रहा होगा तो इस रेजिस्टेंस से कोई हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब हमें बताना था कि कितनी स्पीड से ये पिस्टन मूव करेगा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू क्या होता है हमारा, एन सी वी डी टी होता है। तो अगर डी टी ज़ीरो है मतलब कि डेल्टा यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो बेसिकली डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, मतलब कि वर्क डन जो है वो
हीट रिलीज की इक्वल हो जाएगा। अब उसी के एक्सप्रेशन में लिखा है, तो हीट रिलीज हो जाएगा हमारा आई फैलाड और वर्क डन हो जाएगा एम जी इंटू वी। वी यहाँ पे है सिंपली डी एक्स बाई डी टी से आप देख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा वी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए थे वो कुछ लोगों को ट्रिकी लग सकते थे, बट इन क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है।